और चल रहा है, ऐसे में जो डीजल पेट्रोल का जो दाम है प्रतिदिन ये इंक्रीज हो रहा है। जो पहले का जो रेट दर तय किया गया था उससे अब जो है 20-25 रुपए अधिक दामों में जो मार्केट में उपस्थित तेल मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है इसको लेकर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं जो मार्केट में जो तेल अभी मिल रहा है, जो पेट्रोल पहले हमें 70 रुपए के दर पे मिलता था, अभी डीजल उससे ज़्यादा दरों पे मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता झारखंड के मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें जानकारी उनसे प्राप्त होता है। प्रमोद जी, जैसे कि हम सभी जान रहे हैं जो पहले जो तेल का जो दरें तय किए गए थे उसमें जो हम लोग को बैरल जो मिलता था, हमारा जो आयात होता था भारत देश में, वह 70 रुपये प्रति बैरल के लगभग आसपास आयात होता था, और अभी उसमें देखने को मिल रहा है कि गिरावट आई है, 40 रुपये प्रति बैरल मिल रहा है। फिर भी जो है जो रेट जो है पेट्रोल की वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? देखिए, दिक्कतें तो वैसे कुछ नहीं हैं, सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, और कोरोना काल में बहुत सारा उद्योग धंधे बंद हैं तो राजस्व उनको नहीं मिल पा रहा, इस वजह से ये लोग एक्साइज ड्यूटी और वैट में बढ़ोतरी कर रहे हैं जिसके कारण प्राइस हाइक हो रहा है। इसे भी GST के दायरे में लाना चाहिए, पेट्रोल डीजल को भी। हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी, श्री अशोक सिंह जी ने भी लगातार मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में लाया जाए ताकि लोगों को रियायत मिले और व्यापारी को भी लाभ मिलेगा इससे और आम जनता भी राहत की सांस ले सकती है। अगर ये हो जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें कम प्राइस में तेल मिलेगा। प्राइस हाइक हो रही है सर, तो इसमें हम जानकारी और भी देना चाहेंगे जनता को, जो बात कही जा रही है टैक्सेस हाइक हो रही है, यहीं पे कच्चा तेल के जो दाम है वह भी धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, क्या सरकार इसमें कहीं टैक्स में क्या कमी करके आगे वो तेल निर्यात नहीं कर सकती है? अभी तक तो ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहा है कि सरकार इसमें कोई कमी करेगी, क्योंकि शुरू से ही अभी जो कोरोना काल में जो हालात हैं राज्य के चाहे केंद्र सरकार के, तो राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसा किया गया है, और ये कब तक रहेगा ये बताना नामुमकिन है। सरकार को ही फैसला लेना है कि कैसे वो जनता को राहत दे, क्योंकि सिर्फ टैक्स कम करके ही जनता को राहत दिया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ जो झारखंड प्रदेश प्रवक्ता जी मौजूद थे, उन्होंने हमसे साझा किया कि क्या कुछ उनके पेट्रोल पंप पे गाइडलाइन का फॉलोअप होता है और क्या कुछ पेट्रोल को लेके जो मामला जो निकल के आ रही थी बार बार की जो उसके दरें थी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, इसको लेकर उन्होंने अहम जानकारियाँ दिया, और हम ये आशा करते हैं कि जो गाइडलाइन हमारे प्रशासन के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा जो फॉलो दिया गया है वो हमारी जनता लगातार इस चीज़ को फॉलो करेगी और ये फॉलो करते हुए आगे कार्य करेगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए लगातार आप न्यूज़ एम इंडिया के साथ बने रहें। मैं संतोष भारती, नमस्कार।